नमस्कार, पत्रिका के विशेष कार्यक्रम वंस अपॉन अ टाइम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राचीन मथुरा और आज के मथुरा की, किस तरह से प्राचीन मथुरा दिखता था और क्या क्या बदलाव आज देखने को मिल रहे हैं। मेरे साथ में मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर साहब श्री मुकेश आर्यबंधु साहब हैं। मैं इनसे जानता हूँ और कोशिश करता हूँ जानने की जो प्राचीन मथुरा है वो किस तरह से दिखता था और आज का जो मथुरा है क्या क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मेरे साहब, प्राचीन मथुरा किस तरह का था और क्या क्या जो परिवर्तन आए हैं आज के टाइम में वो किस तरह से देखने को? देखिए, मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी है और जो प्राचीन मथुरा नगरी हुआ करती थी उसका आनंद कुछ और था। जगह जगह वन दिखाई देते थे, जगह जगह यमुना महारानी एकदम स्वच्छ और निर्मल बह रही थी, भगवान श्री कृष्ण की गाथा हर जगह मिलती थी। गाथा तो आज भी मिलती है लेकिन उसमें बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। परिवर्तन ये हो गया है कि जो जगह जगह हमारे वन वगैरह मिलते थे वो लगभग लुप्त हो चुके हैं और लुप्त होने का कारण जो भारत की जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, उसके कारण सारे वन लुप्त हो रहे हैं। दूसरा कारण, मथुरा में इतने भूमाफिया उत्पन्न हो गए हैं कि अगर उनको कहीं थोड़ी सी भी जगह दिख जाए तो वो उसको छोड़ते नहीं है, कहीं ना कहीं उल्टे सीधे कागज भंगवा बन जाकर और वो उसको ले लेते हैं। तो जो पहले की मथुरा थी उसमें अब अंतर ये है क्योंकि अब मथुरा का नवीनीकरण हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है। न्यू मथुरा आपको दिखाई देने लगा होगा, जब से मथुरा नगर निगम बना है तब से मथुरा में अनेकों विकास कार्य हो रहे हैं, अच्छे अच्छे रोड बनाए जा रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि मथुरा और वृंदावन में जब भी पर्यटक चारों दिशाओं में से कहीं से आए तो उसको घुसते ही ऐसा महसूस हो कि हम भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आ गए। ऐसा रूप देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और मथुरा को ऐसा सुंदर और इतना स्वच्छ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी बाहर के पर्यटक आते हैं वो एक अच्छा संदेश लेकर जाएं और ये कहें कि मथुरा प्राचीन में तो था ही मथुरा लेकिन अब उससे भी सुंदर ग्रीन और क्लीन मथुरा दिखाई दे रहा है, ऐसा हमारा मानना है। प्राचीन मथुरा की मैं बात करूँ तो प्राचीन मथुरा में किस तरह का रहन सहन और किस तरह का खान पान देखने को मिलता है? देखिए, पुराने समय में पुराने समय का ही रहन सहन था। लोग छप्परें झोंपड़ियाँ बनाकर रहा करते थे, कपड़ा पहनने पर ज़्यादा किसी का भी जोर नहीं होता था। आज बड़े अच्छी 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 बिल्डिंगें मथुरा में दिखाई देती हैं, अच्छे अच्छे मकान दिखाई देते हैं और मैं तो ये मानता हूँ कि लगभग 10-10, 12-12 माले की बिल्डिंगें मथुरा में दिखाई दे रही हैं। और यहाँ तक खान पीन का सवाल है तो लोग बाग ए से लेकर जेड तक अच्छे खाने पीने की ओर अग्रसर है, अच्छा खाना पीना खाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं लोग बाग। तो पुराने मथुरा में और नवीन मथुरा में बहुत अंतर देखने को मिल रहा है और मैं तो भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करता हूँ कि मथुरा इतना सुंदर दिखाई दे कि भगवान श्री कृष्ण की गाथा जन जन के मुँह से सुनाई देती रहे जैसे सुनाई देती है और राधे राधे का लोग भजन करते हैं। जिस तरह से आज जो जाम देखने को मिलता है क्या प्राचीन समय में भी इस तरह का जाम? देखिए, मैंने आपको एक बात बताई कि पहले आबादी बहुत कम थी, जब आबादी बढ़ जाती है तो फिर सब कुछ उसी के अनुसार होता है। आज आबादी इतनी बढ़ गई है और आप देख रहे होंगे कि हर घर में कम से कम दो दो बाइक मिल जाएंगी, एक एक दो दो फोर व्हीलर मिल जाएगा। तो मथुरा तो वही है, उसका स्पेस उतना ही है लेकिन कहीं ना कहीं आबादी बढ़ गई है, वाहनों की संख्या बढ़ गई है तो जाम तो अपने आप देखने को मिलेगा। और हमारी ये भी कोशिश है कि हम उस जाम को भी इस तरीके से डाइवर्ट कराने के उसमें है कि जो हमारी खास जगह है जैसे होली गेट मथुरा का हृदय स्थल है तो हम बनवे उसको ऐसा बनाने के चक्कर में है कि बनवे बन जाए, एक तरफ से वाहन आए और दूसरी तरफ निकल जाए, दूसरी तरफ वापस ना हो। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम लागू करा रहे हैं और धीरे धीरे करके मथुरा सुंदर मथुरा दिखने लगेगी। ये थे मेरे साथ में मुकेश आर्यबंधु जो कि मथुरा वृंदावन के मेयर हैं और इन्होंने बताया कि किस तरह से प्राचीन मथुरा में लोग रहा करते थे और आज क्या स्थिति है मथुरा की। इसी तरह की खबरें मैं पत्रिका टीवी के माध्यम से आपको दिखाता रहूंगा। जानकारी के लिए आप टाइप कर सकते हैं www.patrika.com। निर्मल राजपूत, पत्रिका टीवी, मथुरा।